सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको बताने वाले हैं पचिंग की गाइड पार्ट वन। तो मतलब पचिंग की के एंगल्स के बारे में बताएंगे। ये तो आपको थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो पता चल ही गया होगा, पर फिर भी हम आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या होगा। जैसे हम आज पचिंग की गाइड का पहला पार्ट बना रहे हैं, जो कि मतलब हम बीच वाले घरों को बताएंगे कि उनमें एंगल कौन कौन से होते हैं। तो एंगल्स ऐसे होते हैं कि मतलब जहाँ पे आप खड़े हैं भाई, वहाँ उन उस जगह पे आपको कहाँ कहाँ से पड़ सकती है। तो हम प्रॉपर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे खड़े होके आपको कहाँ कहाँ से सेफ रहना है। और कभी कभी ये एंगल ऐसे काम आते हैं जैसे कवर देने के लिए, आपका टीममेट उस घर में है और उस पर रश करे तो कवर देने के लिए काम आते हैं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल एंगल होते हैं, तो ये आपको अपनी पूरी स्क्वाड के साथ शेयर करना चाहिए। ये इवन ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी पता होना चाहिए। तो जो जो ई स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं वो भी, और प्रॉपर ये एंगल सब अपनी टीम के साथ बिल्कुल शेयर करो। आपकी टीम बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी इस पचिंग की में जीतने के लिए, बहुत ज़्यादा चांसेज होंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, शेयर कर दो। हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे 1K व्यूज़ पर, तो आप जल्दी जल्दी से 1K व्यू करवा दो। और लाइक गोल तो भाई आप कर ही दोगे कुछ ना कुछ, आपको पता ही है आप बड़े ओपी हो। तो भाई आपकी स्क्वाड को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको सभी को दिखाना चाहिए ये, क्योंकि ये ऐसे है कि आप कवर दोगे बचोगे तो वैसा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो हम जाएंगे पहले पार्ट वन के मिडिल वाली बिल्डिंगों पे। तो आज मिडिल बिल्डिंग में पहले बताएंगे ट्रिपल स्टोरी के एंगल्स के बारे में। तो भाई हम जब रश करते हैं देखो ऐसे, तो बंदे यहाँ ही सीढ़ी पे होते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल बताएंगे हम इस वीडियो में कि कौन कौन से एंगल पे कहाँ कहाँ से पड़ेगी आपको, मतलब पॉसिबल एंगल कहाँ कहाँ से होते हैं। तो पहला एंगल देखो, यहाँ पे खड़े हैं तो हमें पड़ेगी देखो प्रॉपर फर्स्ट एंगल ऐसा, तो ये देखो पड़ी। अब कहाँ से पड़ी तो हम वो भी बताएंगे आपको प्रॉपर। तो भाई अब देखो कि हम अपने एंगल से बताएंगे, अपने पर्सपेक्टिव से। तो इस घर से पड़ी थी तो ये देखो वो दिख रहा है, हमने नॉक कर दिया। तो ये एंगल्स याद रखने पड़ते हैं, ये बहुत क्रूशल हो जाते हैं। अगर नॉक हो जाए तो फिर पंगा पड़ता है। तो आगे हम सेकेंड एंगल पर, तो भाई देखो ये पड़ी हमें फिर से। तो अब हम बताएंगे आपको कि ये कहाँ से पड़ी। तो भाई ये पड़ी हमें छत से, देखो छत से, देखो ऐसे नोक हो गया। तो ये यहाँ से भी पड़ती है। तो अब हम आएंगे थर्ड एंगल पे। तो थर्ड एंगल देखो फिर से यहीं पे हम, तो ट्रिपल स्टोरी के थर्ड एंगल यहाँ पे ये इतने क्रूशल होते हैं भाई। तो देखो अब कहाँ से पड़ी, इस घर से, यहाँ से भी दिखता है ये सीढ़ियाँ यहाँ से भी दिखती हैं। तो यहाँ पे देखो कवर देने के लिए, या तो या बंदा नीचे तुम्हारा रश कर रहा है और वो बंदे ऊपर यहाँ पे कैंप कर रहे हो तो उन्हें ईजी मार सकते हो। तो अब फोर्थ एंगल भाई, फोर्थ एंगल देखो ये फिर से नोक। तो अब हमें ये कहाँ से पड़ी, तो ये पड़ी हमें इस साइड से, ये वाले घर से, देखो यहाँ से ऐसे वो वहीं पर खड़ा है बंदा, तो ईजी यहाँ से मार सकते हो प्रॉपर। तो ये एंगल बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। अब ये लास्ट एंगल है यहाँ से, देखो वो खड़ा है उधर, तो यहाँ से ईजी मर जाएगा इस घर से भी। तो आपको यहाँ यहाँ से ध्यान रखना होता है। तो ऐसे ही एंगल के एग्जाम्पल अगले हाउसेज में मिलेंगे आपको। तो अब हम चलते सीधा सेकेंड हाउस पर। अब देखो सेकंड हाउस पे, यहाँ पे हमेशा देखो खड़े रहते हैं बंदे इधर सीढ़ियों पे। तो सीढ़ियों पे हमें कहाँ से पड़ी अब बंदा देखो यहाँ ट्रिपल स्टोर से। जैसे आपका बंदा वहाँ नीचे से पुश कर रहा है तो आप यहाँ से ट्रिपल स्टोर से इजी कवर दे सकते हो उसे प्रॉपर। तो अब देखो फिर से हम सीढ़ी पे खड़े हैं। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, तो वहाँ से कैसे बचा सकते हैं अपने टीममेट को और कैसे मार सकते हैं। तो भाई ये देखो यहाँ से पड़ी, तो मतलब कोई भी फ़ायदा नहीं है सीधा रश करके, देखो यहाँ से मारो सिंपल, क्या फ़ायदा सीढ़ियों पे जाके जब वो नोक फिनिश दे देगा। तो ये बेटर वेज है ना, नोक नहीं होना है टीममेट को पूरा होता है। ये थर्ड एंगल पे आ गए हम, तो अब यहाँ पे भी खड़े रहते हैं दरवाजे पे। तो अगर आपके टीममेट रश कर रहे हैं तो आप इजी किल्स चुरा सकते हैं। देखो तो इस घर से इजी, जरूरत ही नहीं है इतने दूर जाने की भाई, यहाँ से पड़ेगी सिंपल। तो वैसा फोर्थ एंगल वहीं पर हम खड़े हैं, तो कहाँ से पड़ सकती है, तो आपको ये ध्यान भी रखना होता है। तो ये देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं, तो प्रॉपर ऐसे पीक वीक लेके खड़े तो रहते हैं बंदे कि हाँ यहाँ आएंगे तो मार देंगे। तो मतलब कभी कभी नहीं भी जाया जाता है, नॉक फिनिश दे देते हैं भाई। तो देखो इजी कहाँ से पड़ी अब ये, या हम आपको फिर से बताएंगे कहाँ से पड़ी। ये देखो इस घर से इजी, ये सिचुएशन पे डिपेंड है, आपको हर पॉसिबल एंगल बताया जा रहा है ताकि आप बता वो कर सको। तो ये लास्ट एंगल, तो इस घर के यहीं पर लास्ट एंगल कहाँ पर है देखो, ये फिर से पड़ी, ये कहाँ से पड़ी। तो अब हम बताएंगे कि आपको ये ट्रिप स्टोर से पड़ी, देखो ट्रिप स्टोर से यहाँ से दिखता है। तो आपको ये एंगल्स बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि आपकी टीम में स्ट्रॉन्ग हो और नोक कैजुअलिटी ना लें कोई भी। तो अब हम चलते हैं सीधा थर्ड हाउस पे, ये मिडिल वाला हाउस। तो मतलब देखो ये यहाँ पे सीढ़ी पे खड़े रहते हैं हमेशा ताकि मैक्सिमम क्लच होते ही सीढ़ी पे। तो ये दिखता है यहाँ से पीछे से, देखो पीछे वाले घर से जब मर रहा है तो आगे जाने का क्या ज़रूरत है।
तो वैसा तो अब यहाँ से पीछे भी खड़े रहते हैं बंदे, तो वहां से सीढ़ी आते हैं, तो कहाँ से, ये तो आपको पता कहाँ से, फिर से पीछे से पड़ी ये वाले, देखो यहाँ से इजी। आपको हमेशा याद रखना है कि अगर बंदे की साउंड यहाँ पे आ रही है तो जरूरी नहीं है कि ऊपर जाना ही जाना है। तो ये देखो अब थर्ड एंगल, यहीं पे खड़े हैं, तो अब मार पीछे वाले घर पे नहीं हो तो कहाँ और हो, ट्रिपल स्टोरी पे हो, तो ट्रिपल स्टोरी से कैसे मारे, तो इस तरह से मारे, देखो ट्रिपल स्टोरी से यहाँ से ईजी दिखता है भाई, देखो देखो ये दिख रहा है प्रॉपर थर्ड एंगल, ये बहुत ही क्रूशल एंगल है, यहाँ से दिखते हैं ईजी कवर दे सकते हो। फोर्थ घर पे चलते हैं सीधा, तो फोर्थ घर पे देखो यहाँ पे फिर से, जैसे ये घर ऐसे ही है सभी सभी बनाए हुए, बट इनके एंगल अलग अलग है। तो पहला एंगल देखो दूर, यहाँ से दूर से इजी नॉक हो गया भाई, मतलब जरूरत ही नहीं है आपके बंदों को कवर देने के लिए, फुल फुल सपोर्ट होती है यहाँ से। तो देखो ये सेकंड एंगल फिर से वहीं पर खड़े हैं, बट आप मान लो कि उस घर में नहीं, दूसरे घर में, तो कहाँ से मारोगे, वहाँ से। तो देखो यहाँ से भी दिखता है भाई ईजी प्रॉपर ईजी, ऐसा ठीक रहता है ना भाई, ऊपर जाके क्या फ़ायदा जब नॉक फिनिश हो जाना है। ये देखो थर्ड एंगल, ये सीढ़ी पर रहते हैं, तो ये कहाँ से, जैसे तुम्हारे बंदे नीचे रश कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो ईजी भाई, ईजी कवर दो ना अपने बंदों को, प्रॉपर टीममेट हो तो बोलो ऐसे प्रॉपर कवर दो, जरूरी नहीं है कि मतलब क्लोज जाके ही बचाना है बंदों को। अब हम आ गए फिफ्थ हाउस पे, तो फिफ्थ हाउस पे फिर से देखो ये सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियों पे हमेशा कैंपर रहते हैं क्योंकि सीढ़ियों पे नॉक फिनिश का वो होता है। तो फर्स्ट देखो ये इस घर से भी दिखता है यहाँ पे, तो अब ये पहला एंगल यहाँ से था, अब ये देखो दूसरा एंगल, अब मान लो यहाँ पर दूसरे वाले घर पे नहीं हो पर पीछे वाले घर पे हो, तो यहाँ पे बंदा देखो फिर से आपके नीचे है बंदे, तो आपने कहाँ से मार दिया, जैसे आपके बंदे रश कर रहे हैं, देखो एक नंबर मेरे उधर है, तो ईजी प्रॉपर यहाँ से मार कवर दो भाई, तुम्हारे टीममेट फिर रश करेंगे तो मतलब पूरा मारने का मजा आएगा। तो अब बंदे कई बार पीछे होते हैं तो क्या करें, देखो आप मार सकते हो कहीं से मार सकते हो, देखो राइट से ईजी भाई, एंगल है ना, एंगल याद रखो भाई, ये एंगल इतने काम आएंगे कि अगर आप भी खड़े उधर तो आपको याद रहेगा कि इधर से पड़ सकती है। तो देखो सेकंड ट्रिपल स्टोरी पे चलते हैं जो होती है पचिंकी के बिड़ल हाउसेज में, तो ये पचिंकी का पहला एंगल कि आप कहाँ से कवर दे सकते हो, यहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं बंदे भाई, यहाँ पे तो होंगे होंगे, तो ये देखो पीछे से ये प्रॉपर पीछे से ऐसे पड़ती है इस पर प्रॉपर। तो देखो ये पहला एंगल था, तो यहाँ से हमेशा याद रखना कि यहाँ अगर साउंड आ रहा है तो इस तरफ मतलब यहाँ पे नहीं खड़े रहना। तो अगर यहाँ से सेफ हो तो तुम्हें क्या लगता है और से सेफ हो, नहीं, वो देखो वहाँ से भी पड़ेगी भाई, इस घर से भी दिख रहे हो आप, देखो 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 ये प्रॉपर आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि ये एंगल्स कितने ज़रूरी हैं। तो देखो भाई अब जैसे बंदे होता है कि यहाँ पे भी टी वी पी लेते हैं, तो आपको क्या करना है, छत पे जाओ ईजी मारो, देखो ऐसे भाई ये छत से आके ये देखो दिख रहा है प्रॉपर, तो मतलब वहाँ से सीढ़ियों पे तो नॉक फिनिश क्यों होना है जब तुम इजी यहाँ से मार सकते हो, टीममेट को कवर दे सकते हो, तो हमेशा ऐसे याद रखना। तो देखो भाई ये बंदा आया तो इसके बंदे देखो पीछे कवर दे दी, ये भी एक एंगल याद रखना होता है कि कैसे, देखो जैसे ऐसे नीचे वॉल पर खड़ा हो मेरा बंदा रश कर रहा है, तो ईजी देखो भाई ये एंगल्स इतने क्रूशल होते हैं, बंदा मेरा नॉक नहीं हुआ पर वो देखो ना ईजी होता है ऐसा। तो फिर से देखो यहाँ पे खड़ा है, तो मान लो कि आप पीछे नहीं हो तो कहाँ से मारोगे, यहाँ से इस घर से भी दिखता है, देखो कितना सा दिख रहा है एंगल, पर ये इतना क्रूशल रहता है ना भाई, देखो मर गया, ये इतने अच्छे एंगल है याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये लास्ट ये बीच वाला हाउस होता है, तो ये पहला एंगल ये कहाँ से पड़ी भाई, यहाँ पे हमेशा रहते हैं बंदे, तो देखो यहाँ ट्रिपल स्टोरी से ईजी पैर दिखते हैं, ईजी मार दो प्रॉपर, तो यहाँ पे भी रहते हैं, तो हमेशा मतलब जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी, तो इजी देखो यहाँ से भी भाई आने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ से, देखो इजी इजी पैरों पे मारो और इजी नोक निकालो, फिर रश करने का इजी मज़ा है ना, फिर मारने का मज़ा अलग आता है। तो अब यहाँ पे खड़े रहते हैं, मान लो आप ट्रिपल स्टोरी पे नहीं हो दूसरे घरों पे हो, तो कैसे दूसरे घर, देखो ये छत से इजी भाई, हर जगह से एंगल दिखेगा, आप कोशिश करो, ये करने की ज़रूरत नहीं है कि सीधा पुश करो और भाई मर जाओ वैसा। तब तो देखो बंदे इस तरफ होते हैं, लेफ्ट साइड भी होती है, तो ये कहाँ से पड़ी, तो ये देखो भाई यहाँ से पीछे से, ये तो आपको पता ही था कि पीछे से, क्योंकि यहाँ से वाइस वर्सा हो जाता है, पिछली बार ही मतलब इस घर के भी एंगल बताए थे तो सेम ही एंगल होते हैं वाइस वर्सा वैसा। तो अब भाई यहाँ पे मैं ट्रिपल स्टोरी के नहीं बता रहा क्योंकि ट्रिपल स्टोरी सेम ही है। तो ये देखो फिफ्थ एंगल ये कहाँ से पड़ा, मान लो आप दूर और बंदे आपके पुश कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको कर देना, देखो भाई ईजी बंदे ने बताया तुम्हारे की उधर बंदा है, तो भाई देखो अब सिक्स्थ एंगल पे आ गए, सिक्स एंगल अब देखो फिर से नॉक हो गया, तो कहाँ से यहाँ से भाई, इधर से भी दे सकते हो आप कवर अपने बंदों को, देखो प्रॉपर। तो भाई ये थे आज के हमारे मिडिल बिल्डिंग्स के मतलब एंगल प्रॉपर, तो हमने भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज़ भाई शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो,
तो बहुत मेहनत लगी है इस फोन में, तो बहुत ही ज़्यादा लगती है क्योंकि ये थोड़ा लैगी लैगी वैगी रहता है ना। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए, होप करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगी। तो प्लीज़ शेयर करो जितना कर सकते हो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।